हाय स्टूडेंट, मैं महावीर कुमार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है अणु सूत्र कैसे बनाए, हाउ टू मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अणु सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक नहीं याद है तो हम इस वीडियो में उस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पहले आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अणु सूत्र की ओर। हमने क्षारीय मूलक में मोनोवैलेंस वाला आपको लिखवाए थे बेसिक रेडिकल कि AgNH4 ना है, हाँ कली, और सब पर कितना था +1। AgNH4 ना है, हाँ कली, और सब पर कितना था +1 +1 +1 +1 +1 +1। क्षारीय मूलक हो गया। अब हम लेंगे अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक में हम याद कीजिए ट्रिक दिए थे, वो फरान कल हीरोइन कैटीना बरात आई, ओह फरान कल हीरोइन कैटीना बरात आई, और सब पर क्या है -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। अब हम लोग चलते हैं अणु सूत्र का निर्माण करने। तो अणु सूत्र का निर्माण करने में सबसे पहले क्षारीय मूलक को रखेंगे, उसके बाद अम्लीय मूलक को रखेंगे। सबसे पहले किसको रखेंगे, क्षारीय मूलक। तो ले लेते हैं Ag+1। Ag को सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर। अब यहां ले लेते हैं OH, हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रोक्साइड दो तत्वों के मिलने से बना है, फर्स्ट ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। फर्स्ट क्या है ऑक्सीजन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन। तो देखिए ये अपने आयनों का साझा करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा, तो इसका एक इसके पैर पर आएगा और इसका एक इसके पैर पर आएगा। तो देखिए बनेगा कैसे, Ag1 OH का होल वन। लेकिन वन लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। नाम कैसे रखेंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा यदि लेंगे तो NH4 से होता है अमोनियम, NH4+1, और यहां है फ्लोराइड। फिर देखिए अमोनियम दो तत्वों के मिलने से बना है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। जब इसका एक इसके पैर पर आएगा तो घेर के लिखेंगे NH4+1 F1। परंतु क्या वन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा NH4F। NH4 से अमोनियम और F से फ्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड। अब फिर हम देखते हैं सोडियम, यहां लेते हैं Na+1
और Cl-1। अब देखिए Na सोडियम, Cl क्लोराइड, या इसके पैर पर और या इसके पैर पर, दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, साझा करेगा अपने आयनों का, तो क्या बनाएगा? NaCl। और NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और इसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं, यहां पोटेशियम ले लेते हैं, K+1 और Cl-1, तो या इसके पैर पर और या इसके पैर पर, तो क्या हो गया? KCl, K से पोटेशियम और Cl से क्लोराइड, कुल मिलाकर क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड। अब यहां लेते हैं, फिर पोटेशियम ही ले लेते हैं, K+1 और Cn-1, तो K से पोटेशियम और Cn से साइनाइड। यहां गौर करने वाली बात है कि साइनाइड में दो तत्व है, पहला कार्बन और दूसरा नाइट्रोजन, तो इसको भी हम घेर के लिखेंगे। तो देखिए, यह इसके पैर पर आएगा तो K1, और Cn पर 1 आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? होल 1, तो C1Cn होल 1, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट करेंगे KCN, KCN पोटेशियम साइनाइड। ठीक इसी प्रकार अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर फ्लोराइड बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, सिल्वर हाइड्राइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर हाइड्राइड बनाएगा, सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर साइनाइड बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, सिल्वर आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। इस प्रकार अणुसूत्र 42 इससे बनेंगे, 42 कितना बनेंगे? 42, 42 बनेंगे अणुसूत्र, और सभी का नाम आपको याद होना चाहिए, आप रटिएगा नहीं बिल्कुल, इतना अणुसूत्र है, इतना अणुसूत्र है कि यदि आप रटने के लिए सोचेंगे तो कभी नहीं रट सकते हैं। तो हम लोग अभी मोनो वैलेंस वाला पढ़ चुके, अब हम लोग आएंगे डाई वैलेंस वाला। अब आते हैं हम लोग द्वि संयोजकता वाले, क्षारीय मूलक के साथ कैसे अणुसूत्र बनेगा। तो यहां है जमीन मैं कैसे बेचू बे, जमीन मैं कैसे बेचू बे, और सब पर कितना था? +2। तो सबसे पहले हम लेंगे जिंक, Zn+2 हाइड्रोक्साइड, OH-1। हमने पहले भी आपको बताया था कि हाइड्रोक्साइड दो तत्वों के मिलने से बना है, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन, जब भी यह दो आएगा तो दोनों को बराबर देना पड़ेगा। तो देखिए, यह इसका 1 इस पे आएगा तो Zn1, और OH आएगा तो घेर के दो लिखना पड़ेगा, पढ़ेंगे कैसे? Zn1 हटा देंगे तो Zn OH का होल ट्वाइस, Zn OH का होल ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो होता है, ट्वाइस नहीं बोल के होल दो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां आता है मैग्नेशियम, Mg+2 F-1, यह दोनों आपस में साझा करेगा तो Mg पर 1 आएगा और F पे 2 जाएगा, तो क्या बनेगा? Mg F2। फिर यहां हम ले लेते हैं, यहां हम ले लेते हैं कैल्शियम, Ca+2, Ca+2 और Cl-1,
या इसके पैर पर आएगा और या इसके पैर पर जाएगा तो क्या बनेगा, CaCl2। Ca से कैल्शियम और Cl से क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम मैग्नीशियम फ्लोराइड, इसका जिंक हाइड्रोक्साइड। फिर यहां लेते हैं बेरियम, बेरियम ब्रोमाइड Br-1 ले लेते हैं। देखिए Ba+2, Br-1, और जब यह दोनों मिलेगा तो या इसके पैर पर या इसके पैर पर, तो क्या हो जाएगा Br2। Br मतलब ब्रोमाइड, ऐसा नहीं है कि ये दो तत्वों के मिलने से बना है, यह एक ही है Br ब्रोमाइड, ये Cl एक ही तत्व है क्लोराइड। ठीक, तो हम डाई वैलेंस पढ़ लिए, अब ट्राई वैलेंस वाला पढ़ेंगे। त्रिसंयोजकता वाला क्षारीय मूलक हमने तीन लिखवाया था, अलविदा कर, अल विदा कर, सब पर कितना था, +3 +3 +3। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो Al+3OH-1, या इसके पैर पर आएगा और या इसके पैर पर आएगा। फिर पिछला वाला फंडामेंटल रहेगा, कैसे बनेगा, Al OH का होल 3, या होल 3 बोल सकते हैं, AlOH का होल 3 या AlOH का होल 3। अब लेते हैं हम लोग ब्रोन B+3 और उसके बाद में Cl-1, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, या इसके पैर पर और इसके पैर पर, तो क्या हो गया BCl3, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड। अब यहां लेते हैं क्रोमियम Cr+3 और यहां लेते हैं कोई ले लेते हैं ब्रोमाइड ले लेते हैं Br-1, या इसके पैर पर और या इसके पैर पर, तो क्या हो गया Cr Br3, क्रोमियम ब्रोमाइड। तो आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल केमिस्ट्री आसान है, आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना केमिस्ट्री आसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।